بِدَاتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هر قسم دي حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جو اللہ ساری دنیا دا خالق ہے مالک ہے رازق و گنج بخش رنج بخش لجپال روزی رساں ہے زندگی موت مالک نفع نقصان دا مالک ہے ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا جس دی ذات صفات شان کمالات اندر نہ کسانی سی نہ ہے اور نہ ہی انشاءاللہ ہوئے گا اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب صحرا ریگستان دی ریت دے ذرات تو زیادہ بارش دے قطرات تو زیادہ اللہ پاک درود و سلام نازل فرمائے امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک اور ذات اقدس دی میں اس مالک دے کولوں صدقی دل نال دعا گو ہوں
अल्लाह करीम मैनू शरा सदर दे नाल किताब सुन्नत दे मुताबिक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। और साडा इमिल बैठना अल्लाह पाक अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा के निजात दा ज़रिया बनाए। हजरात गुज़श्ता जुमे दे अंदर तुसां अम्मा जी मरियम अलैहिस्सलाम दी जिंदगी दे हाल अहवाल उन्हां दी जिंदगी दे मुताबक मैं कुछ चंद बातां कीतियां सन, उह तुसीं गोश गुजार कीतियां कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत दे नाल कुदरत दी दलील बना के अल्लाह ने कुन दा इशारा फरमा के जनाबे जिब्राइल दी फूंक दी वजह तो अल्लाह ने जनाबे ईसा अलैहि सलातु सलाम दुनिया ते मबऊस फरमाए, दुनिया ते भेजे। इन्हां दे आन तो बाद दुनिया के जहन के अंदर बड़े बड़े इश्काल पैदा होए, बड़े बड़े बातिल अकायद ने जन्म लिया। एक ग्रुप उठाया, वो कहन लगा कि हजरत ईसा आप ही रब है। दूसरा उठाया, वो कहन लगा कि जनाबे ईसा अल्लाह का बेटा है। तीसरा ग्रुप मुसलमाना दा जेड़े हक नू पहचान गए, हक नू समझ गए कि जनाबे ईसा अलैहि सलातु सलाम अल्लाह दे बंदे ने, अल्लाह दे रसूल ने, अल्लाह ने इन्हां नू अपनी कुन दी ताकत दे नाल पैदा फरमा के अल्लाह ने 33 सालां दी उम्र च अपने कोल आसमान ते बुला लिया। आप दी वफात नहीं हुई। पहला ग्रुप जेड़े कहिंदे जनाबे ईसा अलैहि सलातु सलाम आप ही रब है, उनू याकूबिया कहा जाता है। दूसरा ग्रुप नस्तूरिया, हाफिज इबने कसीर रहमतुल्ला अलैह ने आप फरमांदे कि जेड़े कहिंदे कि जनाबे ईसा अल्लाह दा बेटा है, ये अकीदा नस्तूरिया ग्रुप दा। मुसलमाना दा अकीदा जेड़े उस वक्त दे मुसलमान सन, ईसाई सन। हाफिज इबने कसीर रहमतुल्ला अलैह ने लिखिया कि ए एक ग्रुप हक ते और सच ते कायम रहा। अंबिया दी जिंदगी तुहाडे सामने सुनाना पेश करना महज किस्से कहानियां नहीं, जुबान दा चस्का नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने अंबिया दी जिंदगी दे अंदर दुनिया वालियां दे वास्ते कुछ सबक रखे ने। अकायद दी दुरुस्तगी वास्ते अल्लाह ने अंबिया दी जिंदगी दे अंदर साडे वास्ते सबक रखे। अंबिया जिन्ने भी आए, हर नबी दी दावत और पैगाम अल्लाह एक, अल्लाह दा कोई सानी नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं, कोई बेड़ियां बने लान वाला नहीं, हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ एक के। हजरात और अल्लाह पाक दी वंड कैसी है, अल्लाह पाक दा इंतहाब कैसा, जिस दौर दे अंदर जिस फन दे उते हजरात जिस फन नू ज्यादा काउंट कीता जांदा होवे, उस फन दे माहर बंदे नू अल्लाह नबी बना के भेजदा। जनाबे मूसा अलैहि सलातु सलाम जिस दौर अंदर आए,
जादू दा बड़ा जोर सी, बड़े बड़े आला नस्ल दे जादू अपनिया उम्रां गुजार दितियां अपने उस्तादां कोल जादू सिखन दे वास्ते। जनाबे मूसा अलैहि सलातो सलाम नूं अल्लाह ने दुनिया ते मबऊस फरमाया, दुनिया ते भेजिया रहनुमा बना के, रहबरो पेशवा बना के। अल्लाह ने अपनी ताकत दे नाल, अपनी कुदरत दे नाल जनाबे मूसा अलैहि सलातो सलाम दे कम्मा दे अंदर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दे करिश्मे दिखाए। जादूगर हैरान रह गए, परेशान रह गए और दुनिया वाले मनन ते मजबूर हो गए, ये कोई आम बंदा नहीं, ये कोई रब दा भेजिया खास बंदा है। जनाबे मूसा दे दौर अंदर जादू बड़ा उरूज ते अल्लाह ने दुनिया वालियां दे सामने अपनी कुदरत ते कामला दे करिश्मे दिखा के ए मनन ते मजबूर कर देता। जनाबे मूसा साड़ी तरह आम इंसान नहीं, जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम दे दौर अंदर हिकमत ओ दनाई दियां बड़ियां गल्लां। हजरात जेड़ा बंदा बड़ा हकीम है, बड़ा मुआलज है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बड़ा अच्छा तबीब है, ओनू लोग हजरात सिर ते चुकदे, ओदी बड़ी इज्जत ओ एहतराम करदे। अल्लाह ने हालात और मौके दी मुनासबत दे नाल जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम नूं बेहतरीन मुआलिज बना के भेजिया, बेहतरीन डॉक्टर और तबीब बना के भेजिया। आप नबीनियां नूं अल्लाह दे हुक्म दे नाल शिफा देंदे, मुर्दियां नूं अल्लाह दे हुक्म दे नाल खड़ा कर देंदे। हजरात जेड़े कोड़े बंदे, जेड़े बरस वाले, ओना नूं अल्लाह दे हुक्म दे नाल शिफा देंदे, अल्लाह शिफा देंदा। हजरात दुनिया वालियां नूं पता चल गया जनाबे ईसा आम बंदा नहीं, इहनू अल्लाह पाक ने अपना बरगुजीदा बनाया, अल्लाह ने चुन के दुनिया दे सामने पेश कीता। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया ते तशरीफ ले आए। हजरात शेर व शायरी का बड़ा दौर दौरे, हर बंदा अपने काफिए जोड़दे पिया, हर बंदा अपनिया रदीफां सिद्धियां पिया कर दे, हर बंदा अपने शेर सिद्धे पिया कर दे। हजरात अल्लाह पाक ने मेरे पाक पैगंबर नूं उस दौर अंदर दुनिया ते भेजिया, हर बंदा शेर व शायरी का बड़ा शौकीन है, हर बंदा शेर व शायरी नूं सुनन वाला, हजरात शेर व शायरी दियां मजलिसां अंदर बैठन वाला। अल्लाह पाक ने मेरे पाक पैगंबर नूं दुनिया ते मबूस फरमाया, अल्लाह ने पूरे दा पूरा कुरान मेरे पाक पैगंबर दे सीने पाक ते नाजल फरमा दिता। हजरात शेर गो जेड़े सन, शेर लिखन वाले, शेर पढ़न वाले, वो समझ गए ये जड़ी कलाम है ये किसी बंदे दी कलाम नहीं, ये अर्श वाले दी कलाम है। हजरात इस तरीके अल्लाह पाक ने अंबिया नू दुनिया दे उत्ते भेजिया और उन्हां दा सिक्का मनवाया, उन्हां दी शरीयत मनवाई, उन्हां दी शख्सियत मनवाई। आओ जिस दौर अंदर प्यारे ईसा अलैहि सलातो सलाम दुनिया ते तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक दा कुरान इस बात दा ऐलान पिया कर दे, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा जी मरियम जो अपने कबीले वल आईया, बस्ती वल आईया, अपना छोटा जिहा लाल चुके, अपना बेटा चुकिया, लोग कहते मरियम दस कित्थों लेके आईए, किदा बच्चे दा बाप कौन है। अल्लाह अल्लाह अम्मा जी मरियम ने अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल ऐलान फरमा दिता, ऐ मेरे को पुछन वाले हो, ए मेरे मेरा कसूर कोई नहीं, मेरा कमाल कोई नहीं, इसे बच्चे नूं पुछ लवो। हजरात बच्चा बोल के जवाब पिया देंदे, मैं अल्लाह दा बंदा, अल्लाह दा रसूल आं, इहदे अंदर मेरी मां दा कसूर कोई नहीं, अल्लाह पाक ने मैनू अपनी कुदरत ते कामला दा करिश्मा बना के दुनिया दे सामने पेश फरमा दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात गामी जनाब ईसा अलैहि सलातो सलाम ने दुनिया ते तशरीफ ले आए, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अंदर इस
बात का तज़किरा फरमाया अल्लाह अल्लाह हजरत आसमान दे उत्ते ना एक सितारा नमूदार होया हजरत ग्रामी अज तो पहले ये सितारा नहीं सी निकलिया सितारा तुलू नहीं सी होया फारस का बादशाह हजरत ग्रामी ने अपने काहना नु बुला लिया अपने नजूमिया नु बुला लिया ओ आओ ना मेरे नजूमियो मेरिया रोटियां ते पलने वालों मेरे को तरहावा लेने वाले हो अल्लाह अल्लाह अज तो पहले ये सितारा नजर नहीं आया अज सितारा क्यों नजर आ गया कह लगे सितारा इस वास्ते नजर आया अज कोई अल्लाह दा परगुजीदा बंदा अल्लाह पाक ने कोई नेक बेटा कोई आला बेटा दुनिया ते अल्लाह 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 पाक ने अपना कोई बड़ा चंगा बंदा दुनिया ते भेजिया अल्लाह अल्लाह हजरात चलदियां चलदियां ना बात पहुंच गई के जी शाम के अंदर हजरत एक बच्चा पैदा होया जिन्हों अल्लाह पाक ने ना बगैर बाप तो पैदा किया हजरत ग्रामी फारस के बादशाह ने कुछ कासद भेजे एक पैगाम देने वाला एक ग्रुप भेजे आओ ना तोहफे तहाइफ ले जाओ जाके अम्मा जी मरियम ने तोहफे दे आ जे अल्लाह अल्लाह हजरत जाके ना मुँह वेख रहे ने बड़िया मुहब्बत दियाँ गल्लां हजरत ग्रामी जनाबे ईसा अलैहि सलाम दे बारे हजरत बड़े मुहब्बत वाले बोल बोल देने पे हजरत चलदियाँ चलदियाँ फारस के बादशाह ने ना हजरत नाल कुछ बंदे ऐसे भेज दिते कि तुसी ओना दे वाकफ कार तुसी को मौका मिले ना तुसी उस बच्चे नू कतल कर दे आजे हजरत तो जो फरमाओ ओना दे विचो खबरां लीक हुंदियां हुंदियां हजरत मुखबरी हो गई अम्मा जी मरियम दे कोल बात पहुँच गई अम्मा जी ए जिहड़ा ग्रुप आया मिस्र अंदर सफर तय कर गई हिजरत करके मिस्र अंदर चलिया गई अल्लाह अल्लाह हजरत उथे अल्लाह पाक ने जनाब ईसा अलैहि सलातु सलाम 12 साल की उम्र तक उथे ही रही हजरत अपने यारां ते बेलियां नाल खेलिया कर दे अपने हम उम्र बच्चियां नाल खेलिया कर दे अल्लाह अल्लाह हजरत खेडदियां खेडदियां ना अपने यार ते बेलियां नूं कहिंदे यार तेनू पता है ओ कहिंदा की यार तेरी मां ने तेरे वास्ते फुलानी शह छुपा के रखी है तेरी माँ ने तेरी शह तेरे वास्ते फुलाना खाना तेरे तो छुपा के रखी है ओ फुलानी जगह दे उत्ते फुलाने बर्तन दे अंदर हजरत बच्चे कहिंदे तू किवें दियां गल्लां करना है साडे हाल अहवाल दा तेनू की पता है अल्लाह अल्लाह साडे घर दे मामलात दा तेनू की पता है बच्चे आपस अंदर मजाक कर दे हजरत बच्चियां एक दिन इरादा कर लिया जिन्हों भी जनाब ईसा कल कर दे तेरी अम्मा ने तेरे वास्ते फुलानी चीज छुपा के रखी है फुलाना खाना छुपा के रखी है हजरत बच्चे जाके अपनी अम्मा नु कहंदे अम्मा मेनू पता लग गए तू घर अंदर मेरे वास्ते फुलान खाना छुपाए अम्मा कहंदी बेटा तेनू किन्ने आखिया इंज दियां कोई गल्लां नहीं अल्लाह अल्लाह बेटा कहंदा अम्मा मेनू मेरे यार ईसा ने आखिया मेनू मेरे वीर ईसा ने आखिया अल्लाह अल्लाह मां है परेशान हो गए ईसा नु पता किवें चलदे पे आओ लोगो मैं पैगाम की देना चाहना ईसा गैब नहीं जाना दे ईसा गैब दियां खबरां नहीं रख दे अल्लाह अल्लाह ए हर गल दी खबर देने वाला कौन हो अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी व शहादा वर रहमान नुर रहीम जेड़ा हाजिर भी जान दे गैब भी जान दे अल्लाह खबरां पिया दें दे अल्लाह अल्लाह हजरत मां ने वेखिया वाकई मैं तेरे शहर रखी है हजरत ग्रामी मां दा अकीदा बन गया ए ईसा कोई आम बच्चा नहीं अल्लाह अल्लाह पिंड वाले ना बस्ती वाले हजरत ए खिलाफ
हड़ताल कर ली। वो कहन लगे ईसा दे नाल कोई बच्चा भी नहीं खेलेगा। हर बंदे ने अपने अपने बच्चे नु अपने घर अंदर हजात एक रिवायत अंदर पढ़िया, एक घर के अंदर बंद कर दिता, हजात एक मकान अंदर बंद कर दिता। प्यारे ईसा तो बाजार अंदर फिरते ने कोई यार मिल जाए, हजात बाजार अंदर फिरते मैनू कोई मेरा दोस्त मिल जाए। अल्लाह अल्लाह हजात गामी कोई यार ते बेली नजर नहीं आता। पिंड वाले हैं सारे बच्चे इलाके अंदर एक हजार जगह दे एक मकान अंदर बंद कर दिते। अल्लाह अल्लाह अगर ये बच्चे ये खेडणगे बच्चों के जेहन पर असर हो जाएगा, बच्चे तौहीद वाले बन जाएंगे, बच्चे इनू मनन वाले बन जाएंगे, बच्चे ये रब न तस्लीम करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते ने, आप फरमाते एक दिन जनाब ईसा ना उस मकान के सामने गुजरे, अंदरों बच्चों के बोल आवाज आ रही है। अल्लाह अल्लाह पूछा गया कौन ने, ए बच्चे ने। कह लगे बच्चे नहीं बल्कि बंदर ते खंजीर ने। हजात को निकल ते पर्दा पाया झूठ मारिया। प्यारे ईसा फरमाते जे तू मेरी गल दे उते झूठ बोलने पे आ, अगर मेरी गल का सीधा जवाब नहीं देना, तू बच्चियां नू बंदर ते खंजीर कह रहे आ। मैं ईसा अल्लाह को दुआ करना वा अल्लाह पाके ना बच्चियां नू बंदर ते खंजीर बना दे। अल्लाह पाक ने बंदर ते खंजीर बना दिता। हजार दुनिया वाले तस्लीम कर गए, ईसा कोई आम बंदा नहीं। अल्लाह 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 आओ लोगो अल्लाह पाक दा कुरान इस बात दा ऐलान पिया कर दे। जिस दौर अंदर प्यारे ईसा नूं अल्लाह पाक ने दुनिया वालिया दे वास्ते नबी बना के भेजे, अल्लाह पाक ने फरमाया वा इज कौला ईसा बना मरियम अंता कुलता लिन्ना सितखजूनी وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ। आओ लोगों मैं पैगाम भी देना चाहना। हजात मैं रुक के एक कुरान की आयत मेरे सामने आ गई, रुक के एक मसला हल करता जावा। हजात सारे इश्काल दूर करता जावा, इबहाम दूर करता जावा। हजात जो हालत और कैफियत ए वेखी प्यारे ईसा अलैहि सलातु सलाम बगैर बाप तो पैदा होए, हजात कोई कहन लगया ए रब्बे, कोई कहन लगा ए रब दा बेटे। हजात गामी अल्लाह पाक ने इस अकीदे दी नफी फरमा दी, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान विच अल्लाह बोल दे पे आओ। अल्लाह पाक ने फरमाया लकद कफर लजीना कफरू इन अल्लाह सालिसु सलासतिन। अल्लाह पाक फरमा दे उन्हां लोगां हजरात उन्हां लोगां कुफर कीता जेड़े कहंदे ईसा अल्लाह दा बेटे, मरियम अल्लाह पाक दी बेबी है। हाय अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। अल्लाह पाक फरमा दे अल्लाह कल्ला है, अल्लाह बेनियाज़ है। अगर मसले दी समझ नहीं आई कुरान दा दूसरा मुकाम, अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हुवल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह पाक फरमा दे अल्लाह कल्ला है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह नु किसे दियां लोड़ां कोई नहीं, अल्लाह दियां सारियां नु जरूरतां ने। अल्लाह अल्लाह लम यलिद ना अल्लाह ने किसे नु जनिया, ना अल्लाह किसे दा बेटा है, ना अल्लाह किसे दा बाप है। अल्लाह 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 दी औलाद कोई नहीं, अल्लाह कल्ला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिन्हों नींद भी नहीं आती ऊंघ भी नहीं आती। हजात ओनू किसे दियां जरूरतां क्यों रह सकदियां। अल्लाह अल्लाह आओ लोगो कुरान दा तीसरा मुकाम, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसली आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्म काल लहु कुन फयकून। अल्लाह पाक फरमांदे ओ बंदे जेड़े कहंदे
ईसा अल्लाह दा बेटे, मरियम अल्लाह दी बीवी है। अल्लाह पाक फरमांदे ईसा दी मिसाल इंजे, हजार जिवें अल्लाह पाक ने आदम नू मिट्टी दे नाल पैदा कीता, अल्लाह पाक ने अपने कुदरत वाले हत्थां दे नाल आदम नू मिट्टियां कुन कुन के बनाया। हजार जदों पुतला तैयार हो गया, आदम दी शक्ल तैयार हो गई, मुजस्मा तैयार हो गया, हुण अल्लाह पाक ने फरमाया कुन फयकून। अल्लाह ने कुन दी ताकत दिखाई, अल्लाह ने कुन दी फूक मारी, अल्लाह ने कुन दा इशारा फरमाया। आदम जिंदा सलामत गल्लां बातां करन लग गए। अल्लाह पाक फरमांदे जिवें आदम नू मैं बगैर हजात बगैर जान तो पैदा कीता, बगैर बाप तो पैदा कीता, बगैर मां तो पैदा कीता, इसी तरह मैं ईसा नू अल्लाह वल्लाह बगैर बाप तो कुन दी ताकत दे नाल पैदा फरमा दिता। मुगाल ते दूर कर लो, ईसा अल्लाह दा बेटा नहीं, मरियम अल्लाह दी बीवी नहीं। और तीसरा पैगाम अल्लाह पाक ने फरमाया, वकालतिल यहूदू उज़ैरुन इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल्मसीहु इब्नुल्लाह ज़ालिका कौलुहुम बिअफवाहिहिम युज़ाहिउ قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يفكون। अल्लाह पाक फरमाते जिवें यहूदियां गया, यहूदियां गया उज़ैर अल्लाह दा बेटा, इस तरह ईसाई कहंदे ने हजरत जनाबे ईसा अल्लाह पाक दे बेटे ने। अल्लाह पाक फरमाते इन्हां दियां मूंह दियां गल्लां ने, इन्हां दे अपने अपने ख्यालात ने, हकीकत एवे अल्लाह कल्ला है। अल्लाह बेड़े आज अल्लाह